हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लंडवे दितिमन। तो देखिए, हम लोग कर रहे थे विकास, तो जिसमें मैंने आपको सभी अवस्थाएं जो भी मनोवैज्ञानिकों ने अपने द्वारा दी हैं वो सभी मैंने आपको समझा दी थी कि जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, जिसमें हमने J.S. रॉस का विभाजन देखा, तो उन्होंने चार अवस्थाओं में बांटा था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, उसके बाद हमने कॉल सैनिक का विभाजन देखा, तो उन्होंने उसके जो है वो आठ भाग जो है उसके किए। तो जहाँ हम सामान्य विभाजन की बात करते हैं तो उसे हम पांच भागों में ही बांटते हैं। ठीक है, पहला जो है वो होता है गर्भावस्था, जो कि गर्भधारण से 280 दिन तक जो है वह होता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है, जो कि जन्म से 5 वर्ष तक की मानी जाती है। बाल्यावस्था जो है वो मानी जाती है 6 से 12 वर्ष तक की, वहीं पर किशोरावस्था जो है वो 13 से लेकर 19 वर्ष तक की मानी जाती है। फिर जो प्रौढ़ावस्था है वह 21 से 40 वर्ष तक की मानी जाती है। तो ये जो है सामान्य विभाजन है, जिसमें हम सभी अवस्थाओं को पांच भागों में बांटते हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो ये सामान्य विभाजन है। तो इन्हीं को हम देखेंगे, आज का जो टॉपिक है हमारा शारीरिक विकास, कि इन सभी अवस्थाओं में शारीरिक विकास जो है वह कैसे होता है। ठीक है, शैशवावस्था में किस प्रकार से होता है, लंबाई जो है वो लड़के की कितनी होती है, लड़की की कितनी होती है, वजन कितना होता है, तो इसकी बात हम करने वाले हैं। तो शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास के अंतर्गत लंबाई, वजन, शारीरिक अनुपात, मांसपेशियां, हड्डियां, तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां इत्यादि का विकास सम्मिलित होता है। तो यहाँ डेफिनेशन जो है, जो कि बहुत अच्छी डेफिनेशन है मेरेडिथ की, इनका कहना है कि गर्भावस्था के प्रारंभ एवं वृद्धावस्था की समाप्ति के बीच में घटने वाली शारीरिक एवं दैहिक परिवर्तन, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं शरीर में, उसकी श्रृंखला को शारीरिक विकास कहा जाता है। ठीक है, गर्भावस्था के प्रारंभ से लेकर और वृद्धावस्था तक जो भी फिजिकल चेंजमेंट हो रहा होता है बॉडी में, तो वो सभी शारीरिक विकास कहा जाएगा। टैनर और मेरेडिथ का जो विकास चक्र है, जिसमें इन्होंने शारीरिक विकास को जो है चार भागों में बांटा, इन्होंने बताया कि विकास चक्र जो है वो चार भागों में पूरा हो जाता है। पहला जो विकास चक्र है गर्भावस्था से 2 वर्षों तक होता है, जिसमें विकास की गति जो है वो बहुत तेज होती है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। तो यहाँ पर विकास की गति जो है वो बहुत तेज होती है। द्वितीयक विकास चक्र, जो कि 3 वर्ष से वय संधि तक का, यानी 3 से 6 वर्ष तक का जो है समय होता है, जिसमें विकास की गति थोड़ी सी मंद हो जाती है। तृतीय विकास चक्र, तो टेनर और मेरेडिथ का ये विकास चक्र है, जिसमें ये कहते हैं कि प्रत्येक विकास चक्र, जिसमें वय संधि से 16 वर्ष तक पुनः विकास की गति जो है वो कैसी हो जाती है, तेज हो जाती है। यहाँ पर जो मस्तिष्क का जो विकास जो है वो 90% तक हो जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मस्तिष्क का विकास जो है वो यहाँ पर होता है। चतुर्थ विकास चक्र, जो कि 16वें वर्ष से परिपक्वता तक माना जाता है, जिसमें विकास की गति फिर से कैसी होने लग जाती है, धीमी पड़ने लग जाती है। तो ये जो विकास चक्र है किसने बताया, टैनर और मेरेडिथ ने। एक शब्द आया था वय संधि। वय संधि क्या है, वय संधि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु कार्य करती है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की जो अवस्था है तो वो वह संधि कहलाती है। ये अवस्था जो है वो कम समय के लिए होती है, परंतु इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था का कुछ भाग जो है वो बाल्यावस्था तथा कुछ भाग जो है वो किशोरावस्था में शामिल होता है। तो हमने जो पढ़ा था विकास की अवस्थाएं, तो जिसमें हमने देखा था उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, और हमने पूर्व किशोरावस्था देखी थी, तो ये वह संधि की अवस्था ही होगी। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता जो है यौन अंगों की परिपक्वता व काम शक्ति का उदय होना है। बालिकाओं में ये अवस्था जो है वो 11 से 13 वर्ष के बीच में रहती है, जबकि बालकों में ये 12 से 14 वर्ष के बीच में होती है। ठीक है, तो बहुत कम समय के लिए जो है ये अवस्था आती है, और इसमें जो है जो फिजिकल चेंजमेंट जो है वो यहाँ पर
ज्यादा जो है आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और कहते हैं कि शारीरिक परिवर्तन जो है वो सबसे ज्यादा इसी उम्र में दिखाई देता है, बालिकाओं में 11 से 13 वर्ष की उम्र में और बालकों में 12 से 14 वर्ष के बीच में। फिर देखिए शारीरिक विकास, जिसमें मैंने यहां पर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीन भागों में इसको बांट दिया है, तो हम जो है वो आसानी से जो है इनको याद भी आपको आसानी से हो जाएंगे और समझ में भी आसानी से आएंगे। सबसे पहले जो है औसत भार यानी वजन जो है वो कौन सी अवस्थाओं में कितना कितना हो जाता है। तो जन्म के समय जो लड़की है तो ये जो है औसत भार है, ठीक है। ऐसा नहीं मानना है कि लड़की जो है वो 4.2 केजी की ही होगी, औसत भार है, लगभग है। तो जन्म के समय लड़की जो है वो 4.2 किलो की होती है, जबकि लड़का जो है वो 4.5 केजी का होता है। तो यहां पर हमें ये पता लग रहा है कि लड़के का वजन जो है वो लड़की की तुलना में अधिक होता है। 6 वर्ष में यानी बाल्यावस्था में लड़की जो है वो 16 केजी की लगभग हो जाती है, और यहां पर लड़के का जो वजन है वो 16.3 केजी का होता है। फिर देखिए किशोरावस्था यानी 13 वर्ष से अधिक की जो अवस्था है, जिसमें यहां पर जो लड़की का वजन है वो 33.3 केजी का हो जाता है, और यहां पर जो लड़के का वजन है उसमें कमी हो जाती है 32.1 केजी। फिर देखिए 3 माह में यानी कि शैशव अवस्था ही चल रही है, तो 3 महीने में यहां पर जो वजन था पहले 4.2 केजी लड़की का जन्म के समय, अब कितना हो गया है 5.6 केजी, और लड़के का हो गया है 6.7 केजी। वहीं 6 महीने में जो है 6.2 केजी हो जाता है लड़की का, और यहाँ पर लड़के का हो जाता है 6.9 केजी। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो आपकी पूछी जाती हैं कि 3 माह में जो है वो लड़के का वजन जो है वह लड़की की तुलना में अधिक हो जाता है या कम हो जाता है या कितना हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बाल्यावस्था जो है जो कि 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। यहां हमने देखा कि 6 वर्ष में लड़की जो है वो 16 केजी का वजन है उसका, लड़के का 16.3 केजी। वहीं 12 वर्ष में 29.8 जो है लड़की का वजन हो जाता है, और 28.5 केजी जो है वो लड़के का वजन हो जाता है, ठीक है। अब जो है लड़के का वजन जो है जो 6 वर्ष में अधिक था लड़की की तुलना में, उसमें जो है कमी आने लगती है, और वही हमें किशोरावस्था में दिखाई देती है। जब वो 13 वर्ष का हो जाता है तो यहाँ पर लड़के का वजन जो है वह कम है लड़की की तुलना में। उत्तर किशोरावस्था में देखिए 18 वर्ष में 42.4 किलो जो है लड़की का वजन जो है औसत भार इसका होता है, और लड़के का कितना हो जाता है यहाँ पर 47.4 केजी, ठीक है। तो अभी जो उत्तर बाल्यावस्था में यहाँ लड़के का वजन जो लड़की की तुलना में कम हो गया था, तो उत्तर किशोरावस्था में आते आते यहाँ पर लड़की की तुलना में लड़के का वजन जो है वो अधिक हो जाता है। फिर देखिए शैशव अवस्था जो कि 3 जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है, जिसमें हमने देखा कि जन्म के समय जो है कितना वजन था उसका 4.2 किलो लड़की का और 4.5 किलो लड़के का। अब 1 वर्ष में लड़की का 7.8 किलो वजन हो जाता है और लड़के का 8.4 केजी। वहीं 5 वर्ष में जो है 14.5 केजी की लड़की और 14.8 केजी का लड़का हो जाता है, ठीक है। तो ये तो वजन की बात थी। फिर हम बात करेंगे औसत ऊंचाई की, ऊंचाई जो है यानी कि लंबाई जो है वह कितनी हो जाती है। तो यहाँ जन्म के समय लड़की जो है वो 55 सेंटीमीटर की होती है, वहीं लड़का जो है लड़की से थोड़ा सा लंबा होता है 56.2 सेंटीमीटर। 3 माह में 60 सेंटीमीटर जो है वो लड़की की हाइट हो जाती है, और लड़के की हाइट जो है वो 62.7 सेंटीमीटर। वहीं पर 3 माह के बाद जो है वो 6 माह में 64 सेंटीमीटर जो है वो लड़की की हाइट हो जाती है और 64.9 सेंटीमीटर लड़के की हाइट हो जाती है। 1 वर्ष में देखिए लड़की की 72 सेंटीमीटर हो जाती है और लड़के की 73 सेंटीमीटर। वहीं 5 वर्ष में जो है 101 सेंटीमीटर लड़की की हाइट होती है तो लड़के की 102 सेंटीमीटर। यानी शैशव अवस्था में हम देखते हैं कि लड़की की तुलना में लड़के की जो हाइट है वह अधिक रहती है, ठीक है।
फिर देखिए बाल्यावस्था जो कि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की उम्र होती है, यहाँ पर लड़की की हाइट 107 सेंटीमीटर है और लड़के की 108 सेंटीमीटर। अब देखिए लड़की की हाइट जो है वो लड़के की तुलना में आपको बढ़ती नजर आएगी, यहाँ पर लड़कियाँ जो हैं वो लड़कों की तुलना में लंबी दिखेंगी। तो वास्तविक जीवन में हम देखते हैं हमारे आसपास तो हमें यही चीज दिखाई देती है कि जो बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था, तो यहाँ पर लड़कियाँ लड़कों की तुलना में अधिक तेज गति से लंबी हो जाती हैं। तो यहाँ पर लड़की जो है 139 सेंटीमीटर की हो जाती है और लड़का जो है वो औसत जो उसकी ऊंचाई है वो 138 सेंटीमीटर की हो जाती है। फिर देखें किशोरावस्था में 13 वर्ष में जो लड़की है 143.9 सेंटीमीटर की और लड़का जो है वो 144.6 सेंटीमीटर। तो अब जो है वो लड़की की हाइट जो है वो अब इतनी तेज गति से नहीं बढ़ेगी तुलना में लड़कों के, ठीक है। अब लड़कों की हाइट तेज गति से बढ़ती है किशोरावस्था के अंतिम पड़ाव तक, तो 18 वर्ष में 151.7 सेंटीमीटर लड़की की हाइट हो जाती है और लड़के की जो है इससे अधिक हो जाती है 163.1 सेंटीमीटर। तो ये जो है याद करने का तरीका जो है ये भी है कि आप लोग जो है आसपास जो है वो अपने देखें कि जो 6 वर्ष का जो बालक है बालिका जो है उनमें अंतर करके देखें, उनकी उम्र जो है वो पूछ कर देखें, तो ये आपको पता चलेगा, ये चीज़ हमेशा आपको याद रह पाएगी कि लड़के की हाइट जो है इस उम्र में ज़्यादा है या लड़की की, ठीक है। विशेषताओं में जो सिर का आकार है वो शैशवावस्था में कितना होता है, 300 क्यूबिक सेंटीमीटर से 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर है यहाँ पर। बाल्यावस्था में 1200 से लेकर 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है सिर का आकार हो जाता है। उसके बाद किशोरावस्था में जो है ये आकार लड़के का 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर और लड़की का 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। अब ये तो था सिर का आकार, मस्तिष्क का भार यानी कि मस्तिष्क का जो वजन है वो कितना हो जाता है, तो शैशवावस्था में 300 से 1200 ग्राम जो है यहाँ वजन रहता है, वहीं पर बाल्यावस्था में 1200 से 1300 ग्राम के बीच में रहता है। किशोरावस्था में देखिए लड़कियों का यहाँ पर अलग अलग मैंने इसलिए कर दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपके पूछा भी गया है कि किशोरावस्था में लड़कियों का जो मस्तिष्क का भार है वह 1350 ग्राम जबकि लड़कों का 1400 ग्राम जो है वह होता है, ठीक है। और इस उम्र पर जो है वो बच्चे बोलते भी हैं कि लड़कियां जो हैं उनमें लड़कों की अपेक्षा दिमाग की कमी रहती है। तो यहाँ पर जो वेट जो होता है उसकी बात है, तो वेट जो है यहाँ पर लड़कों की तुलना में लड़कियों का जो मस्तिष्क का वजन है वह कम होता है, ठीक है। फिर देखिए हड्डियाँ, हड्डियां जहां शैशवावस्था में 306 से 310 तक जो हैं हड्डियां होती हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि जन्म के समय जो बच्चा होता है उसकी जो हड्डियां होती हैं बहुत नरम होती हैं, ठीक है, मुलायम होती हैं और लचीली होती हैं। और उसके बाद बाल्यावस्था में जो है 270 जो है हड्डियां होती हैं और हड्डियां जो हैं जो पहले नरम थी अब उसमें ऑसिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके कारण जो है वो कठोरता आने लग जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद किशोरावस्था में जो है हड्डियों की जो संख्या है वो 206 हो जाती है। तो हमने देखा कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी जो हड्डियां होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, उपास्थि की बनी होती हैं, बहुत ही मुलायम होती हैं, लचीली होती हैं। यदि वो गिर भी जाते हैं थोड़ी सी ऊंचाई से भी गिर जाते हैं तो उनको जो है वो चोट नहीं लगती है। उसका कारण क्या होता है, उनकी हड्डियां जो हैं वो नरम हैं, मुलायम हैं, लचीली होती हैं, ठीक है, तो उनको जल्दी से चोट नहीं लगती है, धीरे धीरे जो है इनमें कठोरता आने लगती है। तो यहाँ पर 206 जो है वो हड्डियां हो जाती हैं किशोरावस्था में आकर, और इसके बाद जो है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है वह कम हो जाती है। फिर देखें दांत, जन्म से 5 वर्ष तक जो है 5 वर्ष के में हम देखते हैं कि दांत जो है वो 20 दांत एक बच्चे के जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। और 6 माह के जो आसपास जो है वो दूध के दांत जो है वो निकलना शुरू
हो जाते हैं। उसके बाद 5 वर्ष के अंत तक जो है वो 20 दांत जो है वो लगभग सभी बच्चों के आ जाते हैं, जो नीचे के दांत जो है वो सबसे पहले निकलते हैं। उसके बाद बाल्यावस्था में देखते हैं कि 27 से 28 तक दांत जो है वो निकल आते हैं। यहाँ पर 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और जो स्थायी दांत होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर 27 या 28 दांत जो है वो है आ जाते हैं। फिर देखिए किशोरावस्था में दांतों की जो संख्या है, तो यहाँ पर किसी के 28 होते हैं, किसी के 30 होते हैं और किसी के जो है वो 32 दांत भी हो जाते हैं। तो जो अंतिम दांत जो होता है तो उसको कहते हैं प्रज्ञा दंत। क्या कहते हैं? प्रज्ञा दंत। तो स्थायी दांत जो है वो हमने देखा कि 12-13 वर्ष की आयु में जो है वो स्थायी दांत तो निकल आते हैं। उसके बाद जो है कितनी हो जाती है संख्या? 28 से लेकर 22 दांत जो है वो किशोरावस्था तक हो जाते हैं। फिर देखिए हृदय गति, हार्ट बीट, ठीक है। तो शैशवावस्था जो है यहाँ पर, यानी जब शिशु जो है वो गर्भावस्था में 4 सप्ताह का होता है तभी से हृदय का धड़कना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और हृदय जो है इसको सबसे क्रियाशील और व्यस्त अंग जो है वो शरीर का माना जाता है। तो यहाँ पर शैशवावस्था में 120 बीट पर मिनट जो है वो, यानी हृदय जो है वो धड़कता है 1 मिनट में 120 बार या 110 बार। फिर बाल्यावस्था में इसकी स्पीड जो है वो कितनी हो जाती है? 1 मिनट में जो है वो 90 बार, ठीक है, या 80 बार जो है वो धड़कता है। और किशोरावस्था में 72 बार जो है धड़कता है 1 मिनट में। किशोरावस्था में हृदय की जो धड़कन है वह 1 मिनट में कितनी हो जाती है? 72 बार ये धड़कता है। मांसपेशियों का वजन, तो जब छोटा जो बच्चा होता है, शिशु जो होता है गर्भावस्था में जब 3 सप्ताह का होता है तो तभी से जो है उसकी मांसपेशियों का निर्माण जो है शुरू हो जाता है, ठीक है। और जन्म के समय जो है उसकी मांसपेशियों का वजन जो है वो शरीर के कुल वजन का जो है वो 23% होता है। उसके बाद जो है शरीर का कुल वजन जो बाल्यावस्था में, यहाँ पर जो है शरीर के कुल वजन का 33% तक हो जाता है। फिर किशोरावस्था तक आते आते शरीर के कुल भार का जो है वो 45% या 44% जो है हिस्सा किसका होता है? मांसपेशियों का होता है, ठीक है। 16 या 17 वर्ष के अंत तक जो है कितना हो जाता है शरीर के कुल वजन का? 45%। बालकों में क्रियात्मक विकास क्रम, अब देखिए यहां से भी जो है एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। जन्म के समय के बाद से जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो जो 1 माह का जो बालक होता है, शिशु जो होता है, तो वो जो कार्य करता है ठुड्डी उठाना, यानी कि उसकी जो ठोड़ी होती है, उसकी जो चिन्ह होती है उसको है उठाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। अभी उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती है, केवल जो है अपनी ठुड्डी वो उठाना प्रारंभ करता है, ठीक है। 2 माह का होता है तो वो अपना जो धड़ है उसको उठाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अपना धड़ जो है वो हिलाना प्रारंभ कर देता है। 3 माह का जो बच्चा है तो वो खिलौना पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये क्या है? विकास है। जैसे जैसे उसकी उम्र जो है वो आगे आ रही है वैसे वैसे उसमें ये क्रियात्मक विकास हो रहा है। 4 माह का बच्चा जो है तो यदि उसको सहारा हम देते हैं तो वो बैठना सीख जाता है। 5 महीने का बालक जो है गोद में बैठकर किसी खिलौने को जो है वो यदि पकड़ा दे हम तो उसको पकड़ लेता है। फिर देखें 6 माह का जो बच्चा है ऊंची कुर्सी पर बैठकर झूलते खिलौने को पकड़ लेता है, ठीक है। अब जो है उसके जो फिंगर हैं, उंगलियां जो हैं, तो उसकी क्रियाएं जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब जो है वहां पर एक तो कुर्सी पर बैठकर जो है झूल भी रहा है और उसके साथ खिलौने को उसने पकड़ भी रखा है। तो ये विकास ही है। 7 माह की उम्र में जो है बिना सहारे के स्वयं बैठ जाता है और 8 माह की उम्र में जो है वो सहारा देने पर वो खड़ा हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए 9 माह में जो है वो फर्नीचर पकड़कर जो है वो खड़ा हो जाता है और 10 माह में जो है वो क्या करता है? रेंगना स्टार्ट कर देता है। फिर देखें 11 माह में जो है वो सहारा देने पर जो है वो चलना भी स्टार्ट कर देता है और 12 माह में किसी भी चीज को पकड़कर जो है वो अब खुद चलना प्रारंभ कर
कर देता है, अब उसे सहारे की जरूरत नहीं है। 13 माह में आते आते जो है यदि वो सीढ़ी पर चलना चाहे तो सीढ़ियों पर चलना भी स्टार्ट कर देता है, और 14 माह में जो है वो स्वयं खड़े हो जाता है, किसी की भी जरूरत नहीं है, और 15 माह तक आते आते जो है वह खुद चलना स्टार्ट कर देता है, किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं है, अब वह खुद ही आगे बढ़कर जो है वो अपने कार्य करने लगता है। ठीक है, तो 15 माह तक जो है ये विकास चक्र है जो कि बालकों में होता है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस माह में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस माह में बच्चा जो है वो गोद में बैठा हुआ है और किसी खिलौने को जो है उसने पकड़ना सीख लिया है, तो 5 माह की उम्र तक आते आते जो है ये कार्य वो करता है। नवजात शिशु में उपस्थित कुछ मुख्य प्रतिवर्ष, तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ प्रतिवर्ष में जो है 4 पॉइंट लिखे हैं, रूटिंग, मैरो, बॉबिंस को और पकड़ना। एग्जाम में इन चारों में से ही क्वेश्चन जो है वो पूछा भी गया है। रूटिंग, तो रूटिंग का अर्थ क्या होता है, छोटा बच्चा जो होता है जैसे ही हम उसके गालों को टच करते हैं तो टच करते ही उसका मुंह खुल जाता है, ठीक है, और सिर को जो है वो हिलाने लगता है, तो उसको बोलते हैं रूटिंग। और 3 से 6 माह में जो है ये विलुप्त हो जाती है। उसके बाद मैरो, यदि बहुत तेज जो है वो शोर होता है तो बच्चा जो है वो अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर जो है वो फेंकता है और फिर अपनी भुजाओं को एक साथ जो है वो लाता है जैसे कि कुछ पकड़ रहा हो, तो इसको बोलते हैं मैरो। और 6-7 माह में जो है ये विलुप्त हो जाती है। बॉबिन्स को, ये क्या होता है कि जब छोटे बच्चे के पैर के तलवे को हम जो है टच करते हैं तो वो हाथ पैर की उंगलियों को जो है वो मोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बॉबिन्स को। तो ये 8 से 12 माह में होता है और इसके बाद जो है ये समाप्त हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पकड़ना, तो बच्चे की जो हथेली को उंगली या कोई भी वस्तु से यदि हम दबाते हैं तो बच्चे की उंगलियां जो हैं इसके इधर उधर जो है वो लिपट जाती हैं, तो 3 से 4 माह में जो है ये चीज जो है वह भी विलुप्त हो जाती है। तो ये नवजात शिशु में कुछ ये मुख्य प्रतिवर्ष होते हैं। तो ये विकासात्मक क्रम जो है वो हमने नवजात शिशु का देखा, जो कि एक समय के बाद जो है ये चीजें समाप्त होती जाती हैं, ठीक है। रूटिंग हमने देखा, छोटे बच्चे के गालों को जब हम छूते हैं तो उसका मुंह जो है वो अचानक से खुल जाता है, सिर वो हिलाने लगता है, वो रूटिंग कहलाता है। मैरो क्या होता है, यानी जब बहुत तेज जो है वो शोर होता है तो बच्चा जो है वो अपनी कमर को मोड़ते हुए अपना शरीर जो है उसको आगे फेंकता है और अपनी भुजाओं को जो है एक साथ चलाता है जैसे कि कुछ वो पकड़ रहा हो। और बॉबिन्स को जो है ये क्या होता है, यानी जब हम छोटे बच्चे के जो तलवे हैं उनको टच करते हैं तो खुद ही उसके हाथ पैर की जो उंगलियां हैं वो मोड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। पकड़ना, तो ये हमने बताया कि जो बच्चे की हथेली को, उंगलियों को या कोई भी वस्तु से उसको दबाया जाता है तो बच्चे की उंगलियां जो हैं उसके इधर उधर जो है वो लिपट जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य प्रतिवर्ष थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो शारीरिक विकास में जो भी पॉइंट जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सभी यहाँ पर हैं। इसके बाहर जो है शारीरिक विकास में आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक होगा शारीरिक विकास के बाद सामाजिक विकास, तो हम उसकी बात करेंगे। थैंक यू।